हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल रावत, लेक्चरर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंगपुर फरीदाबाद, आपका स्वागत करता हूं एजुसेट के इस लाइव टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर्स थे, 3 लेक्चर्स हो गए, उनमें हमने पढ़ा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, और इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोटीन कैसे बनती है और जीन का रेगुलेशन क्या होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे जीनोम के बारे में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस लेक्चर के दौरान हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का ट्रांसलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है कैसे रेगुलेट किया जाता है, लैक कॉपरान क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था और इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं इस लेक्चर के, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का ट्रांसलेशन क्या होता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। ट्रांसलेशन इज अ डीकोडिंग ऑफ एन एमआरएनए मैसेज इनटू ए पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जो एमआरएनए को डीकोड करती है प्रोटीन बनाने के लिए या पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाने के लिए। एमआरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको पता है कोडोन के रूप में होती है, न्यूक्लियोटाइड के रूप में होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन पास होके पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, ये प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, एमआरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड की सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाती है, और बाद में चेन जो एमिनो एसिड की होती है प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी होती है। हमने पढ़ा इससे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन था, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, और जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनली है, वो है राइबोसोम्स, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, जो ट्रांसलेशन करती है एमआरएनए का। ट्रांसलेशन मशीनरी, ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, देखिए सबसे पहले ऑर्गेनली है राइबोसोम्स, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे, ये कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करती है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का अगर आपको याद हो तो दो पार्ट होते हैं, दो यूनिट होती है राइबोसोम की, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट अगर यूकेरियोट की बात करें 40S कहलाती है, लार्जर यूनिट 60S लार्जर यूनिट को कहते हैं। तो बच्चों, लार्जर यूनिट जो होती है उसके अंदर 3 साइट होती है जो डिटेल में पढ़ेंगे इस लेसन में। पहली साइट होती है, एक की बात करते हैं, ई ए पी, प्रमोटर साइट, एक्सेप्टर साइट और एग्जिट साइट। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से कि कौन कौन सी साइट्स होती है और क्या क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे काम करती हैं। फिर पढ़ेंगे इसमें हम एमआरएनए, जिसमें इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है न्यूक्लियोटाइड के रूप में, टीआरएनए जो कि एमिनो एसिड को लेके आता है, अडेप्टेड आरएनए भी कहते हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग, एमिनो एसिड्स जो बाद में मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं, और एक एंजाइम चाहिए हमें, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम का फंक्शनिंग अभी हम देखते हैं। स्टेप्स कौन कौन से होंगे ट्रांसलेशन के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन में, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन जब प्रक्रिया शुरू होगी ट्रांसलेशन की, बाद में पॉलीपेप्टाइड की चेन बढ़ती जाएगी वो एलोंगेशन होगा, और बाद में प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी टर्मिनेशन कहलाएगी। चलो देखते हैं ये प्रोसेस। ट्रांसलेशन का स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसको एमिनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं, कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें एमिनो एसिड्स बाइंड करती है टीआरएनए के साथ। देखिए एंजाइम, ये बड़ा महत्वपूर्ण एंजाइम है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो कि एमिनो एसिड्स को टीआरएनए के साथ बाइंड करता है।
इसमें अलग अलग साइट दिखा रखी है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और टीआरएनए बाइंडिंग साइट। जो ये प्रक्रिया होती है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रक्रिया है। एटीपी चाहिए इसके लिए, आप देखेंगे कि जो एमिनो एसिड्स है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट से जुड़ती है, एटीपी जुड़ जाता है, उसके बाद एटीपी टूटता है, एएमपी बना देता है, दो फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, एएमपी हुआ। उसके बाद जो भी स्पेसिफिक टीआरएनए है वो टीआरएनए बाइंडिंग साइट पे आके जुड़ जाता है, और ये एंजाइम क्या करता है, एमिनो एसिड को स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ जोड़ देता है, और इसके बाद एमिनो एसिड जो जुड़ के बनती है टीआरएनए के साथ, इसे कहते हैं चार्ज टीआरएनए। तो चार्जिंग टीआरएनए का मतलब है एमिनो एसिड का टीआरएनए के साथ जुड़ना। ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रक्रिया है, एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है, और एंजाइम जो ये काम करता है वो का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इनिशिएशन स्टार्ट होता है। इनिशिएशन में क्या होगा बच्चों, देखिए सबसे पहले जो स्मॉलर यूनिट है वो बाइंड करेगी इस एमआरएनए के साथ, ये एमआरएनए है इसके साथ स्मॉलर यूनिट बाइंड करेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन होगा, स्टार्ट कोडोन आपको पता है ए यू जी होता है, और ये कोड करता है मेथियोनाइन के लिए। इसमें यहाँ स्टार्टिंग कोडोन है, यहाँ पे ए यू जी, और ये जो स्टार्टिंग कोडोन है ए यू जी, ये प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। इसके रेस्पेक्ट में जो एमिनो एसिड होगा उसमें इसका कम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन होगा। देखो ए यू जी कोडोन था एमआरएनए के ऊपर, इसके कम्प्लीमेंट्री है यू ए सी, ये एंटीकोडोन है टीआरएनए के ऊपर। तो ये टीआरएनए जिसमें कि ये एंटीकोडोन यू ए सी है, ये कोड करता है मेथियोनाइन को, ये आके अटैच होता है इस राइबोसोम की पी साइट पे। राइबोसोम की साइट बताई, पी साइट, ए साइट और ई साइट। तो पी साइट जो ये वाली साइट है, यहाँ पर आके ये टीआरएनए मेथियोनाइन एमिनो एसिड को लेके बाइंड कर देता है। उसके बाद ये जो लार्जर सब यूनिट है ये जुड़ जाती है और एक असेंबली बनाता है, इसको कहते हैं इनिशिएशन की प्रोसेस है, वो इनिशिएट हो गया है। सेकंड है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये एग्जिट साइट है लार्जर सब यूनिट की, ये पी साइट है या ए साइट है। पहले सबसे पहले ये एमिनो एसिड मेथियोनाइन, यहाँ पे टीआरएनए जुड़ गया, आके मेथियोनाइन को लेके जुड़ गया पी साइट पे। अब जो भी कोडोन होंगे इस एमआरएनए के ऊपर, सपोज करो कोडोन यहाँ पे है जी सी सी, इसके रेस्पेक्ट में जो टीआरएनए है इसमें एंटीकोडोन होंगे सी जी जी, और ये इसके रेस्पेक्टिव एमिनो एसिड को लेके आएगा और ए साइट पे आके जुड़ जाएगा, ए साइट पे आके जुड़ गया। अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों एमिनो एसिड जो हैं इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का जो काम करता है वो 23S राइबोसोमल आरएनए करता है, और इस 23S राइबोसोमल आरएनए का दूसरा नाम राइबोजाइम भी है। तो ये राइबोजाइम आरएनए एंजाइम की तरह काम करेगा जिसको राइबोजाइम कहेंगे, और ये राइबोजाइम क्या करेगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, दोनों एमिनो एसिड को आके जोड़ देगा। तो ये दोनों एमिनो एसिड जुड़ जाती हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अब जो पहला वाला टीआरएनए है ये वाला फ्री हो जाता है, एग्जिट करता है, ई साइट पे आता है, ई से एग्जिट हो जाता है, निकल जाता है। जो पहले ए साइट पे था ये वाला टीआरएनए ए साइट पे था, ये पी साइट पे आ जाएगा एमिनो एसिड को लेके, दो एमिनो एसिड हैं, और लगातार यह प्रक्रिया चलती रहेगी, इलोंगेट होती रहेगी, नई एमिनो एसिड्स जो हैं वो बाइंड होती रहेंगी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और ये इलोंगेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे एमिनो एसिड आती जा रही है एक चेन बनती जा रही है, पर जब इस एमआरएनए के ऊपर स्टॉप कोडोन आते हैं, स्टॉप कोडोन के बारे में बताया था, यू ए जी यू ए ए यू जी ए, तो ये स्टॉप कोडोन होते हैं, इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होगा। तो क्या होगा, एक प्रोटीन होती है इसका नाम है रिलीज फैक्टर, ये रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर देता है यहाँ पे ए साइट पे, ए साइट पे बाइंड करेगा, कोई भी टीआरएनए नहीं है जिससे एमिनो एसिड यहाँ पे बाइंड करेगी, तो यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा प्रक्रिया का, और ये टीआरएनए जो है वो अलग हो जाता है, ये जो
पॉलीपेप्टाइड चेन है, एमिनो एसिड की चेन है, ये अलग हो जाती है, एमआरएनए अलग हो गया, और दोनों यूनिट जो होती हैं राइबोसोम्स की, स्मॉलर और बिगर यूनिट, वो सेपरेट हो जाती हैं और जो प्रक्रिया है ट्रांसलेशन की वो समाप्त हो जाती है, इसे कहते हैं टर्मिनेशन। बच्चों यहाँ पे एक भी याद रखने के लिए बात ये है, सपोज करिए ये एमआरएनए है जिसका ट्रांसलेशन हुआ है, प्रोटीन बनी है, सपोज कीजिए यहाँ पे एयूजी साइट था, इनिशिएटिंग साइट था, और यहाँ पे ये बेस पेयर सारे और बेस पेयर जुड़ रहे हैं, और लास्ट में जाके यहाँ पे एक एयूएजी स्टॉप कोडोन थे, ठीक है जी, ये फाइव प्राइम एंड है, ये यहाँ पे थ्री प्राइम एंड है। तो बच्चों क्या होगा, एयूजी से पहले फाइव प्राइम एंड पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड, ये फाइव प्राइम एंड है, एयूजी से पहले जितने भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे होंगे उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है जी, इन्हें कहेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन फाइव डैश एंड पे। ऐसे ही स्टॉप कोडोन के बाद जितने भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ रहे हैं उनका भी ट्रांसलेशन नहीं होगा और उनको कहा जाएगा थ्री प्राइम यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये अनट्रांसलेटेड जो रीजन होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन, तो अनट्रांसलेटेड जो रीजन होते हैं बच्चों, ये दोनों साइड में होते हैं, थ्री प्राइम एंड पे भी होते हैं और फाइव प्राइम एंड पे भी रहते हैं, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, क्योंकि एयूजी से ट्रांसलेशन शुरू होता है, उससे पहले इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, एयूजी के बाद ट्रांसलेशन नहीं होता, तो फाइव डैश एंड और थ्री डैश एंड पे फाइव प्राइम एंड यूटीआर और थ्री प्राइम यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन्स रह जाते हैं। ट्रांसलेशन के बाद पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसे रेगुलेट होता है। द कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन की जो फंक्शनिंग होती है उसको रेगुलेट करना जीन रेगुलेशन कहलाता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जीन का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, एंजाइम बनाना, तो क्या बच्चों जीन जो होता है हमेशा काम करता रहता है, हमेशा एंजाइम या प्रोटीन बनाता रहता है, या केवल तभी बनाता है जब उसकी आवश्यकता होती है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो यूकेरियोट्स में देखो जीन का रेगुलेशन इन चार स्टेप्स पे कंट्रोल होता है, ये फोर स्टेप्स हैं जो जीन का रेगुलेशन कंट्रोल करते हैं। पहला ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल या ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, कि ये डीएनए है इसका ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा, अगर मान लो ये एमआरएनए ना बने तो भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये जीन है, एमआरएनए ही ना बने तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये कंट्रोल होगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। दूसरा है आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल, जो एमआरएनए बनता है वो मैच्योर आरएनए जब बनता है तो उसमें प्रोसेसिंग होती है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, और इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो चेंज होते हैं इसके बारे में हमने इसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, तो ये चेंजेस होने के बाद मैच्योर एमआरएनए बनता है, तो अगर ये प्रोसेसिंग ना हो तो मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा, यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद में न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, इसे कहते हैं आरएनए ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट ही ना हो तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। एंड लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन कंट्रोल, कि जो इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनी, अगर ये ट्रांसलेशन ही ना हो तो भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये होता है यूकेरियोट्स के अंदर चार स्टेप्स होते हैं जहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन हो कंट्रोल किया जाता है। क्या प्रोकेरियोट्स में भी ऐसा होता है? अब पढ़ते हैं द लैक ऑपरॉन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकेरियोट्स। प्रोकेरियोट्स में बच्चों ऐसा नहीं होता है, प्रोकेरियोट्स में केवल एक स्टेप होता है जिसमें जीन का रेगुलेशन होता है और वो स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, केवल जब ट्रांसक्रिप्शन होता है अगर उसको रोक दिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन ना हो तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसको बताने के लिए ये लैक ऑपरॉन है जो कि जैकब और मोनोड ने दिया था। क्या है ये लैक ऑपरॉन? इज एन ऑपरॉन और ए ग्रुप ऑफ जीन्स विद ए सिंगल प्रोमोटर that encodes protein for the transport and metabolism of lactose in E. coli। यहाँ पर lactose शब्द आपको दिख रहा है, lactose,
लैक जो शब्द है लैक्टोप्रोन में, लैक इसका मतलब होता है लैक्टोस, लैक का मतलब ही होता है लैक्टोस, ठीक है, क्लियर है। द लैक्टोप्रोन वॉज गिवन बाई जैकब एंड मोनोड इन 1961, और जो बच्चों जो इनका काम था लैक्टोप्रोन का, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी में 1965 के अंदर। तो ये लैक का मतलब आपको समझ में आ गया, लैक्टोज शुगर के लिए है, लैक लैक्टोज शुगर के लिए लैक यूज़ कर लिया। ऑपरॉन और समझ लेते हैं, ये ऑपरॉन क्या होता है। ऑपरॉन देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जब हमने पढ़ी थी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, इसमें हमने पढ़ा था, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये प्रमोटर होता है, यहाँ पे ये प्रमोटर है साइट, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। सपोज के लिए ये पहला स्ट्रक्चरल जीन है, अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है, और सपोज कीजिए इसके बाद में ये तीसरा स्ट्रक्चरल जीन है, तो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन हो गए। इसके बाद में होता है टर्मिनेटर साइट, जहाँ पे ये प्रक्रिया जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, और ये है वो टर्मिनेटर साइट, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पढ़ा। ऑपरॉन में क्या होता है बच्चों, जो ये जीन है, ये जीन एक जीन जो है सारे, इसकी जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ रेगुलेटिंग सीक्वेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वो रेगुलेटिंग सीक्वेंसेस जो होती हैं, वो रेगुलेटिंग सीक्वेंसेस होती हैं जो प्रमोटर हमारा होता है, प्रमोटर के पास, ये प्रमोटर था, इसके पास कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं न्यूक्लियोटाइड की, उन्हें कहते हैं रेगुलेटिंग सीक्वेंसेस। तो ये रेगुलेटिंग सीक्वेंसेस जो होती हैं ये कंट्रोल करती हैं कि ये जीन जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इन सब को मिला के, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को, प्रमोटर को और स्ट्रक्चरल जीन्स को, सबको अगर मिला दिया जाए तो ये कहलाता है ऑपरॉन, ठीक है, क्लियर है, इसे कहते हैं ऑपरॉन। अब लैक ऑपरॉन में क्या था, लैक ऑपरॉन में देखिए, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया गया था। ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर लैक्टोज शुगर दी जाती है ग्रोथ करने के लिए कल्चर मीडियम के अंदर, तो ई कोलाई बैक्टीरिया इस लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, इसको तीन एंजाइम की आवश्यकता होती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है जी, पहला एंजाइम, दूसरा है परमीज, परमीज, और तीसरा एंजाइम जो है वो है ट्रांस एसिटाइलेज। तीन एंजाइम चाहिए इसके मेटाबॉलिज्म के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है जी, ये इसका काम हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। परमीज क्या करता है, परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है सेल की, ताकि सेल के अंदर लैक्टोज चली जाए, और ये ट्रांस एसिटाइलेशन का काम करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो अगर ई कोलाई के अंदर हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में लैक्टोज दिया, तो ये तीनों एंजाइम हमें चाहिए होंगे इसके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो सवाल ये है, अगर हम ई कोलाई को लैक्टोज ना दें मीडियम के अंदर, तो क्या फिर भी ये तीन एंजाइम जो हैं ये एक्सप्रेस होंगे, बनेंगे, जो इनके जीन है इनकी सिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा, ये चीज देखते हैं इसके अंदर। अभी लैकोप्रॉन के अंदर ये लैकोप्रॉन है, ठीक है जी, इसमें ये प्रमोटर साइट है, यहाँ पे प्रमोटर, ये रेगुलेटर साइट है आर, यहाँ पे प्रमोटर से आगे सीक्वेंसेस होती हैं जिसे कहा जाता है ओ ऑपरेटर, जेड वाई ए, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इन स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनता है, ये तीन एमआरएनए बने, और बाद में तीन एमआरएनए से तीन अलग अलग एंजाइम बनते हैं जब मीडियम के अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज होगा तो तीनों एंजाइम बनेंगे, और तीनों एंजाइम बनेंगे और ये मेटाबॉलिज्म करेंगे लैक्टोज का। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूजर, इंड्यूजर कौन सा है, लैक्टोज। यहाँ पे लैक्टोज किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, इंड्यूजर की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा, अगर एब्सेंस है इंड्यूजर की, लैक्टोज नहीं है मीडिया के अंदर, तो क्या होगा, तो जो रिप्रेशर या रेगुलेटर जीन होता है आई, ये एक आरएनए बनाता है जिसे कहते हैं रिप्रेसर एमआरएनए, जिससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाती है। अगर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगी, तो हमको पता है कि
कि जो प्रमोटर साइट होती है उस पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है, स्टार्ट करता है, जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ ये मानिए आप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, सपोज करिए ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे है। अब ये आगे बढ़ेगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, तो रास्ता क्या किया आपने, ओ साइट जो ऑपरेटर है वो ब्लॉक कर दिया कि मान लो आप कहीं पे जा रहे हो रोड पे और आपके रोड पे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया जाए, रोड को बंद कर दिया जाए, तो आप रोड पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो जो ऑपरेटर साइट ये थी, ऑपरेटर साइट इस पे ये लाल लाल जो दिखा रहा हूँ ये रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है, और रिप्रेसर प्रोटीन ओ पे बाइंड करेगी तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, इन तीनों जीन जो हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, इनसे एमआरएनए नहीं बनेगा। तो या मैं कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में जो ये जीन है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये इसका एक तरह से रेगुलेशन हो गया। रेगुलेशन किसके द्वारा हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा, और रिप्रेसर किससे बाइंड होगी जाके ऑपरेटर के साथ। तो जब मीडिया के अंदर इंड्यूसर या लैक्टोज नहीं है तो ये जीन इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। अब देखिए आपने लैक्टोज मीडिया के अंदर डाल दिया, लैक्टोज डाल दिया तो लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म होना है, उसके लिए क्या होगा, जब ये रिप्रेसर प्रोटीन है, यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है इसके साथ बाइंड कर जाता है इंड्यूसर, जो हमारा लैक्टोज डाला, लैक्टोज को इसके साथ जोड़ेंगे तो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है लैक्टोज डालने के साथ ये इसको इनएक्टिव करता है यहाँ पे ऑपरेटर से जुड़ने के लिए। तो इस कंडीशन में अगर रिप्रेसर प्रोटीन होगी इंड्यूसर के साथ या लैक्टोज के साथ तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगी, ऑपरेटर के साथ जाके नहीं जुड़ेगी। अब आपके सामने रास्ता क्लियर है, रोड पर ये एंजाइम जो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ था प्रमोटर के साथ, इसका रास्ता फ्री है, ये आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, अलग अलग एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम बनेंगे, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज, और ये तीनों एंजाइम जो बनेंगे ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेंगे और प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पे देखा बच्चों कि जब लैक्टोज चाहिए था, मीडिया में था, तभी ये एंजाइम बने जो उसके मेटाबॉलिज्म में चाहिए थे, लैक्टोज नहीं था मीडिया के अंदर तो ये एंजाइम नहीं बने। तो ऐसे एक जीन अपने आप को एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो जैकब मोनोड ने बताया लैकोप्रोन के रूप में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। अब पढ़ते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था और इसको क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ह्यूमन प्रोजेक्ट जो था वो क्या था, जीनोम जो ह्यूमन का होता है उसको सीक्वेंस करना था, पता लगाना था कि जो ह्यूमन का जीनोम होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, कितने जीन होते हैं। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1990 में, ठीक है जी, एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वाज टू सीक्वेंस द होल जेनेटिक कंटेंट ऑफ द ह्यूमन जीनोम एंड अदर स्पीसीज टू नो जीन्स एंड देयर फंक्शंस। जीन क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उसको जानना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। क्वेश्चन ये आता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया, मेगा प्रोजेक्ट मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया, क्या कारण था। सबसे पहली बात कि जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था बच्चों, ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ जाके 2003, पूरा होने में 13 ईयर्स इसको कंप्लीट होने में लगे, तो बड़ा लंबा टाइम लगा इसको कंप्लीट होने के लिए। सेकंड, जो कॉस्ट आई इसकी वो 9 बिलियन US डॉलर, एक बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। सपोज करिए 3×10^9 बेस पेयर होते हैं अगर एक सिंगल हेप्लॉयड सेल में, और एक पे तीन डॉलर का खर्च आता है, $3 का, तो पूरे अगर हों ये $3 का खर्च अगर एक के एक न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करने में, बेस को सीक्वेंस करने में आएगा, तो सोचिए जो ये थे 3×10^9 बेस पेयर जो होते हैं अगर इनको सीक्वेंस करेंगे तो इस पे लगभग खर्चा जो आएगा वो खर्चा आएगा 9 बिलियन US डॉलर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी राशि होती है, तो बहुत खर्चा है इसके ऊपर। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन थी इतनी बड़ी थी कि कहा गया है कि मान लो एक बुक ली जाए
जिसके एक जो पेज है उस पे 1000 लेटर लिखे जाएं और उस बुक में ऐसे 1000 पेजेस हों, तो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है सिंगल ह्यूमन सेल की, उसको लिखने के लिए 3300 बुक्स चाहिए। एक पेज जिस पे 1000 लेटर लिखे जाएं, ऐसे एक बुक में 1000 पेजेस हों, ऐसे 3300 बुक चाहिए जिसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन सिंगल ह्यूमन सेल की लिखी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा डाटा है, इसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए थे जो इस डाटा को एनालाइज कर सकें, पढ़ सकें। अगला है, लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड वेरियस डिसिप्लिन्स वर्क टुगेदर टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, कई देश के वैज्ञानिक लगे जो अलग अलग फील्ड के थे, उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो बच्चों, जो पॉइंट हैं ये अपने आप में ये दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए इसको कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट। क्लियर। गोल क्या थे भाई, जो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले क्या चीज़ें सोची गई थी? गोल थे आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में पाए जाने वाले 20,000 या 25,000 जो जीन थे उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और जितनी 3 बिलियन जो बेस पेयर थे उनकी सीक्वेंस क्या होती है, किस सीक्वेंस में लगे होते हैं डीएनए के अंदर, उसको जानना। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। इम्प्रूव टूल फॉर एनालिसिस, अच्छे से एनालाइज कर पाए डीएनए को वो टूल इम्प्रूव करना। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, जो भी इंफॉर्मेशन इससे मिले उसको इंडस्ट्रीज में वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ट्रांसफर करना। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बाद जो भी एथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज होते हैं उसके बारे में बताना, ये इसके गोल्स थे। अब मेथोडोलॉजी, जो मेथड्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो मेथोडोलॉजी क्या थी? देखिए, दो तरीके थे, दो मेथड थे। पहला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। इसमें क्या था, जो जीन आरएनए बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, या पूरा जो जीनोम है, फुल सेट ऑफ जीनोम है, उसको सीक्वेंस करना। तो उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जिसके बारे में बताया जा चुका है, उन सबको सीक्वेंस करना, ये था सीक्वेंस एनोटेशन। तो दो मेथड थे इसको पूरा सीक्वेंस करने के। तो क्या क्या मेथड थे, देखिए, पहला होता है जो भी जीनोमिक डीएनए होता है उसको आइसोलेट किया। नंबर दो, आइसोलेट करने के बाद में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, और वो क्या करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ देते हैं। उसके बाद में इन पार्ट्स को क्लोनिंग कराना था, थर्ड स्टेप जो था वो था क्लोनिंग। और क्लोनिंग क्या होती है, मल्टीपल कॉपी बनाना। ये बायोटेक वाला पार्ट जब पढ़ेंगे तो क्लोनिंग के बारे में आप जान पाएंगे। और क्लोनिंग के लिए वेक्टर यूज़ होते हैं, जो यहाँ वेक्टर यूज़ किया वो है बैक, BAC, बैक्टीरियल। बैक की फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर था जो कि यूज़ किया गया इन छोटे छोटे सेगमेंट को क्लोन करने के लिए, BAC। ऐसे ही YAC होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों बैक और येक वेक्टर होते हैं जो DNA के जो फ्रेगमेंट्स थे इनको क्लोन करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ये मल्टीपल कॉपी बन गई, ये दिखा रखी है आपको, मल्टीपल कॉपी बन गई। उन कॉपीज़ को सेपरेट किया इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और जो ये फ्रेगमेंट्स आए अलग अलग, इनको सीक्वेंस किया और असेंबल किया। जो टेक्निक थी एफ सेंगर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए को सीक्वेंस करना या प्रोटीन के अंदर एम्यूनो एसिड सीक्वेंस करना, वो तकनीक बनाई एफ सेंगर ने। उसके बिहाफ पे इसको असेंबल किया गया और पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड के रूप में या फिर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के रूप में कोड किया गया। ठीक है, क्लियर है। अब सेलाइंट फीचर्स क्या थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो गया, पूरे जितने जीन थे वो देख लिए, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देख ली। तो क्या क्या फाइंडिंग्स थी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद में, क्या क्या चीज़ों का पता चला? पहले पता चला कि ह्यूमन जीनोम जो होता है बच्चों, वो 3164.7 मिलियन
न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जिसको हम रफली लिख देते हैं 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। तो ये इतने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। एवरेज जीन की बात करते हैं, अगर एवरेज बात करते हैं तो एक जीन जो होता है उसमें 3000 बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एवरेज बात करते हैं। पर ये जो साइज होता है अलग अलग हो सकता है। इसमें एक जीन है डिस्ट्रोफिन, जो कि एंजाइम बनाता है डिस्ट्रोफिन, वो जो होता है वो 2.4 मिलियन बेसिस का बना होता है। डिस्ट्रोफिन जीन होता है, उसके अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है डिस्ट्रोफिन का, सबसे ज़्यादा इसमें बेस पेयर होते हैं, 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेट किया गया था, जो पाया 30,000 अराउंड जीन पाए, और पहले सोचा जा रहा था कि जीन जो होते हैं वो 80,000 to 1,40,000 अराउंड जीन होते हैं, पहले ये माना जा रहा था। पर जो सीक्वेंस किया गया जीनोम के बाद पता चला कि 30,000 जीन होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। जितने भी लोग होते हैं उनका 99.9% जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड सभी के अंदर एक जैसे होते हैं। फंक्शंस आर अननोन फॉर मोर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। जितने भी जीन खोजे गए उनमें से 50% जीन तो ऐसे हैं जिनका फंक्शन अभी तक हमें क्लियर नहीं है। केवल जितना जीनोम होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है वो केवल 2% से भी कम होता है। पूरे जीनोम में 2% से भी कम हिस्सा ऐसा होता है पूरे जीनोम का जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, एक्टिव होता है। उसके बाद पाया गया कि रिपीटेड सीक्वेंसेस मे अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो रिपीटेड सीक्वेंसेस से बना होता है। रिपीटेड सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होती रहती हैं उनका बना होता है। और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं जिसमें बार बार डीएनए के स्ट्रेच सीक्वेंसेस रिपीट होते रहते हैं, ये हंड्रेड्स टू थाउजेंड टाइम भी हो सकती हैं, 100 या 1,000 गुना रिपीटिशन हो सकता है। और ये कोई कोडिंग में या प्रोटीन बनाने में इसका कोई रोल नहीं होता है इन रिपीटेड सीक्वेंसेस का, बट ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, इवोल्यूशन या डायनेमिक्स के बारे में बताती हैं जो सीक्वेंसेस बार बार रिपीट हो रही होती हैं। क्रोमोसोम इस जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पाया गया, क्रोमोसोम 1 होता है उसमें 2968 सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, जबकि क्रोमोसोम वाई जो होता है उसमें सबसे कम 231 जीन होते हैं। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन 2968 याद रखना है, क्रोमोसोम वाई सबसे कम जीन 231। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, इसको कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि जो डीएनए होता है उसमें 1.4 मिलियन लोकेशंस पे ऐसा होता है जो डीएनए होता है केवल एक न्यूक्लियोटाइड का ही डिफरेंस होता है। मान लो मैं AUGTC लिख दूं तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड, सॉरी ये यहाँ पे डीएनए है तो डीएनए में यू नहीं आएगा, मान लो न्यूक्लियोटाइड में लिख देता हूं ATGC। अब 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी थी जिसके अंदर केवल एक बेस जो है वो अलग अलग होगा, मान लो टी के जगह मैं लगा देता हूँ ए जी और सी, बाकी सेम न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिशन होता है। इसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, केवल एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होगा जो अलग होगा, बाकी सीक्वेंस एक जैसी होगी, और ये 1.4 मिलियन लोकेशंस पर ऐसा होता है। तो ये कंप्लीट जो सेलाइन फीचर्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पता चले। एप्लीकेशंस क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बच्चों? डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो ये जितनी बीमारियां हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और डायबिटीज जैसे डिसऑर्डर्स हैं वो इजीली डायग्नोस किए जा सकते हैं टेक्निक्स के द्वारा। तो जो भी दवा सॉरी बीमारियाँ होती हैं उसका डायग्नोसिस ईजी हो गया। क्योरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स जीन थेरेपीज के द्वारा, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा,
और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बायोटेक क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे थे जिनमें डिफेक्टिव जीन को या तो चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया और बीमारी को सही कर दिया गया। जेनेटिक और मॉलिकुलर मेडिसिन एप्लीकेशन इसमें यह भी था कि जेनेटिक स्क्रीनिंग विल अनेबल रैपिड एंड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो भी बीमारियाँ थी उसके टेस्ट वो इजीली और फास्ट होने लगे, जिन्होंने पॉसिबल किया जितने भी डिसऑर्डर्स थे उनको कम करना। जेनेटिक मेडिसिंस विल अनेबल हेल्थ केयर वर्कर्स टू ट्रीट ए डिजीज विद ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बीमारियाँ जो थी उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होने लगा। तो ये ह्यूमन जीनोम के क्या क्या एप्लीकेशंस थे, डायग्नोसिस डिजीज़ की डायग्नोसिस होने लगी, क्योर होने लगा और जितने भी मॉलिक्यूलर मेडिसिंस बनने लगी। अब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? देखिए बच्चों, जो हमारे फिंगर्स होती हैं उनके जो प्रिंट्स आते हैं जिन्हें जिन्हें कहा जाता है फिंगरप्रिंट्स, वो सबके यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी के मैच नहीं करते। तो ऐसे ही जो हमारा डीएनए भी होता है उसमें कुछ पोर्शन हमारा ऐसा होता है जो सभी का अलग अलग होता है, मैच नहीं करता होता, तो वो कहला उस वो पार्ट जो डीएनए का होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक में यूज़ होता है। तो क्या होती है तकनीक? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग एक ही बात है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह लो, प्रोफाइलिंग कह लो या टाइपिंग कह लो, एक ही बात है। इज़ ए फॉरेंसिक टेक्निक्स ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ सर्टेन एरियाज कॉल्ड VNTR। स्पेसिफिक एरिया होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। VNTR रीजन जो होते हैं उसमें डीएनए की जो सीक्वेंसेस होती हैं जो कि हर इंडिविजुअल की यूनिक होती हैं, उसको एनालाइज करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। ये 1984 में सर एलेक जेफरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेक्निक इन्वेंट की थी। हमने इससे पहले पढ़ा है बच्चों, देखिए जो डीएनए है 99.9% जो पार्ट होता है वो सभी का सिमिलर होता है, न्यूक्लियोटाइड सिमिलर होते हैं। केवल 0.1% जो डीएनए होता है वो सभी का, केवल यही 0.1% है जो डिफरेंट होता है, और जो पार्ट डिफरेंट होता है 0.1% यही सभी इंडिविजुअल जितने भी हैं उनमें विभिन्नता या डिफरेंस पैदा करता है। तो 0.1% पार्ट होता है जो अलग अलग होता है। अगर एक जीन की बात करें हम लोग या डीएनए की बात करें, जैसे हमने पढ़ा है कि डीएनए के अंदर मान लो जीन है, जीन ऐसे होते हैं और बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज होती है, तो ये जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का जो प्रोटीन बनाने में काम नहीं करता है, ये देखिए जीन सभी के अंदर इंडिविजुअल्स के अंदर एक जैसे होंगे, केवल अलग होगा तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ही अलग होंगे। जब डीएनए को अलग किया जाता है डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अगर डीएनए को अलग किया जाता है तो बच्चों दो पीक मिलती हैं, एक पीक ऐसे करके बड़ी होती है और एक पीक छोटी सी मिलती है डीएनए की। तो ये जो बड़ी पीक मिलती है ये पूरा बल्क डीएनए जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो होता है, और जो ये शॉर्ट पीक मिलती है, छोटी पीक मिलती है, ये छोटी सी पीक होती है, ये कहलाता है सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। और जो सैटेलाइट डीएनए होता है, अगर मैं बताऊँ आपको, यही वो डीएनए होता है जिसके कारण ये 0.1% रिपीटिशंस या 0.1% डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इस सैटेलाइट डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो न्यूक्लियोटाइड्स बार बार रिपीट होते हैं, या मैं कहूँ कि जो ये सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, उसमें रिपीटेड डीएनए होता है। रिपीटेड मतलब सीक्वेंसेस, मान लो मैं लिखता हूँ ATGC, ये सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होती रहती हैं, इसे कहते हैं रिपीटेड डीएनए। और जो रिपीटेड डीएनए होता है ये हर इंडिविजुअल के अंदर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो अलग अलग होता है। या मैं कहूँ कि डीएनए एक शब्द है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, अगर ये शब्द मैं यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग किसके कारण होता है, इन रिपीटेड सीक्वेंसेस के कारण होता है। और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं बच्चों, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस होती हैं, जिन्हें कहा जाता है VNTR,
वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। देखो पहले बात करते हैं, जो हमारा सेटेलाइट डीएनए की बात करी, एक क्रोमोसोम के अंदर सेटेलाइट डीएनए कहाँ होता है? तो देखिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के टीलोमियर्स जो होते हैं एंड्स होते हैं वहाँ पे सेटेलाइट डीएनए होता है। सेंट्रोमियर जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें सेटेलाइट डीएनए होता है। तो ये पोर्शन वो है जहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं, चाहे वो टीलोमियर्स हों या वो सेंट्रोमियर्स हों, जहाँ पे रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं इन्हें कहते हैं सेटेलाइट डीएनए। और सेटेलाइट डीएनए जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है माइक्रो सेटेलाइट, दूसरा होता है मिनी सेटेलाइट। तो माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट में क्या अंतर है बच्चों, देखते हैं। जो माइक्रो सेटेलाइट होता है उसके अंदर जो बेस पेयर रिपीट होते हैं वो 1 से 9 तक बेस पेयर होते हैं, जबकि मिनी सेटेलाइट में बेस पेयर की जो लेंथ होती है वो 10 से लेकर 100 बेस पेयर तक हो सकती है। मतलब ये कहूँ कि मिनी सेटेलाइट के अंदर जो बेस पेयर का रिपीटेशन होता है वो बेस सीक्वेंस लंबी होती है। दूसरा, माइक्रो सेटेलाइट में ए और टी बेस पेयर ज़्यादा होते हैं, जबकि मिनी सेटेलाइट में जी और सी का रेशो ज़्यादा होता है। गुआनिन और साइटोसिन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं मिनी सेटेलाइट में। और मिनी सेटेलाइट में जो न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं, एंड टू एंड रिपीट होते हैं, उन्हें कहा जाता है VNTR, वेरिएबल, फुल फॉर्म है इसकी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR। VNTR जनरेट होते हैं मिनी सेटेलाइट में। तो मिनी सेटेलाइट जो होता है वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस होता है। जो डीएनए लिया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बच्चों, वो मिनी सेटेलाइट से लिया जाता है, याद रखना है, मिनी सेटेलाइट से लिया जाता है। अब VNTR देखो, टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या होता है कि ये सीक्वेंस दिए हुए हैं GATA, 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 देख रहे हो बार बार ये सीक्वेंस डीएनए के अंदर बार बार रिपीट हो रही हैं, एंड टू एंड रिपीट हो रही हैं, इन्हें कहा जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और ये हर इंडिविजुअल के अंदर कितने नंबर्स हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, जो वेरिएशन या पॉलीमॉर्फिज्म पैदा करते हैं। क्लियर है? अब टेक्निक क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्या होता है बच्चों, मान लो सपोज करिए ब्लड का सैंपल लिया, इसमें से ब्लड सेल से ये डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं डीएनए को स्पेशल जगह से काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, बाद में इन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोटेक लेसन में अच्छे से पढ़ेंगे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इन छोटे छोटे टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग कर लिया जाता है। जो बड़े टुकड़े होंगे, मैं कहूँ बड़े टुकड़े होंगे, वो पहले मिल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े इस जेल के अंदर बाद में मिलते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक डीएनए के फ्रेगमेंट को साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट कर देती है। उसके बाद में बच्चों डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, इस जेल से जो डीएनए एग्रोस जेल है इससे इनको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है इस नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। ट्रांसफ़र करने के बाद में इनको प्रोब्स होते हैं, डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या होते हैं, मान लो जो VNTR थे उसकी थी ATGC, ये सीक्वेंस रिपीट हो रही थी VNTR में। तो जो प्रोब होंगे बच्चों, प्रोब जस्ट कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं ATACG, जो मैंने नीचे ये लिखा, ये प्रोब। अब प्रोब में क्या करते हैं, इनको रेडियो लेबल कर दिया जाता है ताकि हमें इस बेस सीक्वेंस का पता चल जाए, क्योंकि ये जो प्रोब होगा ये इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो ऊपर थी VNTR के, इसके साथ बाइंड कर जाएगा और इसको रेडियो एक्टिव बना देगा। तो ये प्रोब इसके साथ ऐड हो जाते हैं। उसके बाद जो तकनीक है रेडियोग्राफी, एक्सरे डिफ्रेक्शन या रेडियोग्राफी, उसके द्वारा इन बैंड्स की स्टडी कर लिया जाता है, कितने बैंड यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड है जिससे कि जो बैंड्स हैं या VNTR के जो डीएनए के स्ट्रैंड्स थे उनको पहचान कर लिया जाता है। तो ये मेथड्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो यूज़ होते हैं। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, समझिए एक क्राइम सीन हुआ, और क्राइम सीन जहाँ था, मान लो मर्डर हुआ किसी व्यक्ति का, उस मर्डर पे होने के बाद जो क्राइम सीन था वहाँ पे एक बंदे के हेयर्स मिले, ठीक है, या मैं कहूँ स्किन के कुछ टुकड़े मिले, हेयर्स मिले,
तो क्या हुआ, उन हेयर के जो टुकड़े थे उनसे उसके जितने VNTR रीजन थे, सेटेलाइट DNA थे, उनसे DNA निकाला। अब दो बंदे हैं ए और बी इंडिविजुअल, उन पे शक किया जा रहा है कि जो भी एक क्राइम किया है ए और बी दोनों में से किसी एक ने किया है। तो कैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग उसकी हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि कल्प्रिट मुजरिम ए है या बी है। देखिए ये क्रोमोसोम 7 है, ये 2 और 16 क्रोमोसोम है, ये जो आपको दिखा रखे हैं ये VN जो बार बार रिपीट होने वाली सीक्वेंसेस हैं। ये DNA हमारा जो होता है उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक हमें पिता से मिलता है और एक माता से मिलता है। सपोज करो क्रोमोसोम जो 7 है उसमें जो रिपीटेशन है वो 1, 2, 3 बार है, और मेटरनल जो क्रोमोसोम है उसमें रिपीटेशन है वो 4 बार है, ठीक है, इंडिविजुअल ए के में। और बी में बात करता हूँ तो रिपीटेशन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो आपको खाने दिखा रखे हैं, ये है रिपीटेशन कि जो रीजन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्रोमोसोम 7 की है, ऐसे क्रोमोसोम 2 में रिपीटेशन हो रखे हैं इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी, क्रोमोसोम नंबर 16 में कितने VNTR रिपीटेशन हो रहा है ये इंडिविजुअल बी का है। तो ये क्रोमोसोम 7, 2 और 16 में VNTR देख ले कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अब इनका इंडिविजुअल ए ये सेपरेट किया DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जैसे हमने बताया बी के DNA को अलग अलग किया, और जो ये सी था जब इसके क्रोमोसोम जो 7, 2, 16 थे उसके VNTR रीजन के जो DNA थे फ्रेगमेंट्स उनको भी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग किया तो ये बैंड मिले, ठीक है जी। अब इन बैंड को जो क्राइम सीन पे हमें हेयर्स मिले स्किन सेल्स मिली उनसे जो DNA निकला या VNTR निकाले उनसे ये बैंड आए, जब ये इंडिविजुअल ए और बी से मैच कराए तो बच्चों आपके सामने क्लियर कट पिक्चर है कि जब मैच कराएंगे तो क्या हुआ, किस इंडिविजुअल के साथ ये सी का DNA मैच कर रहा है। देखिए ये वाला बैंड बिल्कुल बी से मैच कर रहा है, ये वाला जो बैंड है वो भी बी से मैच कर रहा है, ये वाला बैंड इससे मैच कर रहा है, ये वाला बैंड भी इससे मैच कर रहा है, ये वाला बैंड है इससे मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पूरा जो इसका सी का DNA था वो DNA किससे मैच कर रहा है, बी के DNA से मैच कर रहा है। तो ये क्लियर कहता है कि जो कल्प्रेट है मुजरिम है वो बी होगा। तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक जो कि किसी भी क्राइम सीन से मिले एविडेंस से पता लगा सकती है कि एक्चुअली DNA किससे मैच करता है, क्लियर। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग की, कहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं बच्चों। तो एप्लीकेशन है इसकी पेटर्निटी डिस्प्यूट, मान लो कोई बच्चा कहे कि ये मेरे माता पिता हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होती है, क्योंकि पेरेंट्स से जो DNA बच्चों में जाता है उसके जो VNTR होते हैं वो पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो पेरेंट्स अगर पेटर्निटी का कोई सवाल है या डिस्प्यूट है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद में जितनी भी कोई हेरिडिटरी डिजीज़ हैं उसका पता लगाया जा सकता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हेरिडिटरी डिजीज़ के बारे में, और क्राइम या लीगल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों ये सारे एप्लीकेशंस थी DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, होपफुली आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने इस लेक्चर में अच्छे से समझ लिया ट्रांसलेशन कैसे होता है, जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे रेगुलेशन होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था और DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। होपफुली आपके सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 6 ख़त्म होता है। थैंक यू।